नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा प्लान लेकर आया हूँ, वो भी बिल्कुल वास्तु के अनुरूप। ये प्लान देखिए, बहुत ही सुंदर प्लान है, बिल्कुल वास्तु के जोन के अनुसार इसे विभक्त करके बनाया गया है। बिल्कुल जोन पे मिला के सारी मेजरमेंट की गई है। मैं एक एक करके इसकी बात करूँगा कि इसमें शौचालय, आज का विषय है हमारा पश्चिम मुखी घर में शौचालय की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए और कौन सी जगह बिल्कुल उचित होती है कि वास्तु के अनुसार संतुलन। देखिए, जब पश्चिम मुखी आपकी घर होती है, सबसे पहले जान ले मैं थोड़ा सा इस प्लान के विषय में बता दूं। ये यहाँ प्लान की चौड़ाई जो है, एक सब्सक्राइबर की है जिसके लिए ये निर्माण किया गया है, 52 फीट। ये 52 फीट है और इधर से इधर 55 फीट है। पूरब से पश्चिम ये आपका पूर्व दिशा है, ये आपका पश्चिम दिशा है, यहाँ डोर दी गई है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, दक्षिण है। देखिए दिशाएं तो अभी मैं सबकी मेजरमेंट भी लिखा है, मैं एक एक करके बताता हूँ क्या है। तो सबसे पहले इसमें देख लें कि मुख्य द्वार प्रमुख चीज़ हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि यदि आपकी पश्चिम मुखी घर हो कि कोई भी मुख वाला घर हो, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है, घर का केंद्र निकालना है। केंद्र निकालना है तो कहाँ से निकालें? क्या आप इस बाउंड्री वॉल से केंद्र निकालेंगे या फिर ये निर्माण एरिया से केंद्र निकालेंगे? ये प्रमुख चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि शौचालय बनाना हो, रसोई बनाना हो या बाथरूम बनाना, जो भी बनाना हो, सेप्टिक टैंक बनाना हो, केंद्र निकाल के ही उसकी मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह हमारा बाउंड्री वॉल है। तो बाउंड्री वॉल के हम केंद्र निकालेंगे कब? जब हमको बाउंड्री वॉल में कुछ का जैसे मुख्य द्वार देना है तो हम बाउंड्री वॉल का केंद्र निकालेंगे। लेकिन शौचालय बाथरूम इसके अंदर बनाना है तो इस निर्माणधीन एरिया, जितना एरिया में हमारा निर्माण होना है, निर्माण एरिया हमारा यहाँ और यहाँ तक है टोटल, इसकी कैंटिलीवर को लेकर इतना एरिया, तो हम इसे और इसे जो आपस में रख के इस प्रकार से देखिए इसका केंद्र और सेंटर निकाला गया है। आपको पकड़ में आ गया होगा, इधर कॉर्नर से इस प्रकार से और फिर पुनः इस प्रकार से रख के इसके जो है केंद्र को निकाला गया है। ये उसका सेंटर है। सेंटर पर हम वास्तु चक्र रखते हैं। सबसे पहले दिशाएँ देख लें। दिशाएं नॉर्थ, यहाँ दिशाएं अक्सर होती क्या है कि आप लोगों की घूमी हुई रहती है, 10 डिग्री 15 डिग्री हमने जनरली देखा है घुमा हुआ रहता है, एक्यूरेट नहीं रहता है। तो दिशाएं घूमी हुई हो तो उसके अनुसार वास्तु चक्र के अनुसार इस दिशाओं को सेट करें। अब आइए, सब कुछ आपने कर लिया, वास्तु के अनुसार इसे 32 पग में विभक्त कर लीजिए। ये जितनी मैंने ये सारी स्केचें डाली है ये मैंने पग में विभक्त की है। विभक्त करने के बाद शौचालय का रूल क्या कहता है, सबसे पहले जान लें। शौचालय दो स्थान पर सबसे अधिक उचित है। सबसे अधिक उचित कहाँ है? हमारा वायुकोण। वायुकोण कहाँ होता है? अर्थात हमारे नॉर्थ और पश्चिम का कॉर्नर एरिया। कॉर्नर का अर्थात, अब नॉर्थ और पश्चिम का कॉर्नर मतलब ये कॉर्नर नहीं होगा। ये कॉर्नर इसलिए नहीं होगा कि हम अपने निर्माणधीन स्थल का भी केंद्र निकाले हैं तो अपने निर्माण स्थल का कॉर्नर पर हम देखना। तो कॉर्नर हमारा कहाँ आ रहा है? जब हम इसके अनुसार इसे बांटते हैं तो देखिए, मैं यहाँ से इसे बांट देता हूँ तो ये एक्यूरेसी आएगी। ये देखिए 45 डिग्री, 45 डिग्री अर्थात कॉर्नर की लकीरें इस एरिया में आ रही है। इस एरिया में जब यहाँ आ रही है तो एक शौचालय का निर्माण यहाँ किया गया है। ये शौचालय बाथरूम का निर्माण किया गया क्योंकि ये इस पोजीशन में पड़ता है। अब आते हैं शौचालय के साथ साथ शौचालय टैंक। टैंक का निर्माण पश्चिम दिशा है तो आप यदि सामने खुला स्थान रखते हैं तो सर्वोत्तम है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इनको दो व्हीकल रखनी पड़ सकती है, तो दो व्हीकल के लिए तो कम से कम यहाँ से यहाँ तक 17 फीट की जगह छोड़ी गई है। 17 फीट करने का अर्थ है कि यहाँ से बड़ा गेट है तो ये व्हीकिल को पार्किंग यहाँ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, दो व्हीकिल लग जाएगा। इसके अनुसार इसका निर्माण, ऊपर से ये कैंटिलीवर दिया गया है। अब आइए, यहाँ जैसे आप प्रवेश करते हैं ये आपके बड़ा साइज का हॉल में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि इनकी इच्छा है, मैंने यहाँ पर बरामदे के लिए एक व्यवस्था रखा है, ये इनकी इच्छा हो तो यहाँ बरामदा यहाँ बना दें या आप ओपन रखें जैसा करें। यहाँ प्रवेश कर जाते हैं वायुकोण वाले क्षेत्र में और नॉर्थ वाले क्षेत्र में ये गेस्ट रूम बना दिया गया है। गेस्ट रूम से अटैच्ड लेटरिन बाथरूम ये रहना आवश्यक हो जाता है, तो इससे अटैच्ड ये लेटरिन बाथरूम जो है इस कॉर्नर में बनाएगी। आपको ध्यान क्या देना है, जब भी आप शौचालय बनावें तो प्रयास करें कि नॉर्थ और वेस्ट के जो कॉर्नर क्षेत्र पड़ रहा है, आप उस कॉर्नर क्षेत्र का जो इसका कॉर्नर पड़ रहा है, इस क्षेत्र से आप जो है इधर ना जाके इधर आवे, मतलब पश्चिम की तरफ आप आने का प्रयास करें। वो एक्यूरेसी वास्तु के अनुसार सबसे अधिक
अच्छा होगा, तो उसके अनुसार इसे निर्माण में रखा है। हालांकि थोड़ी बहुत सी हेर फेर हो जाती है, लेकिन यह ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए हमने शौचालय बाथरूम बना दिया, तो अब क्या ध्यान देना है, बना तो दिया तो शौचालय की सीट हम ऐसे पोजीशन पर बैठावें, इधर ना बैठावें, इधर बैठाने से ये उत्तर दिशा में आ जाएगा, और इधर बैठाने से जो है ये हमारे नॉर्थ और उत्तर और पश्चिम कॉर्नर की दिशा में आएगा। तो हमें इस ऐसे पोजीशन में इस स्थान पर इनके शौचालय का सीट बैठाना है। चलिए ये तो हो गया, मैं इसकी मेजरमेंट भी आपको समझा दूंगा। ये बड़ा साइज का हॉल है। अब इसमें दो शौचालय बाथरूम और दिए गए हैं, एक ये है और ये है। ये कहाँ पड़ रहा है, बिल्कुल दक्षिण दिशा में, साउथ इधर है, दक्षिण दिशा में कहाँ पड़ना चाहिए, तो दक्षिण के बाद, इसे कहते हैं दक्षिण के बाद, जब इसमें मेजरमेंट लेते हैं तो ये बिल्कुल दक्षिण की जो ये स्ट्रेट लाइन आती है उसके बाद पड़ना चाहिए। तो दक्षिण के बाद ये दक्षिण में पड़ रहा है 50%, और ये दक्षिण के बाद पड़ रहा है पश्चिम की ओर। चूँकि शौचालय के जो जोन होते हैं आपको अग्नि कोण की तरफ नहीं दबना है, आपको जब भी दबना है नैऋत्य कोण की तरफ दबना है। यहाँ एक ये कॉमन लेटरिन बाथरूम दे दिया है, कॉमन मतलब सभी लोग यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ एक रूम बनाया गया है इनको मास्टर बेडरूम, जिसका डोर यहाँ पर है, ये मास्टर, इससे अटैच लेटरिन बाथरूम दिया गया है। देखिए वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा संतुलन है, ये प्लान भी बहुत अच्छा है, 50x55 में, यह प्लांट 52x55 में है, जिसमें से निर्माणधीन एरिया ये 4 फीट 4 फीट तीन तरफ से छोड़ा गया है, सामने 17 फीट यहाँ छोड़ा गया है, इधर लगभग 10 फीट छोड़ा गया है। ये थोड़े से मैं प्लान को समझा देता हूँ तो वास्तु एडजस्टमेंट करने में आपको सुविधा होगी। केंद्र निकाल लिया, केंद्र से निकाल के आपको ईशान कोण, ये ईशान कोण वाले क्षेत्र है, तो आपको जल की व्यवस्था इस स्थान पर कर लेनी है, ये जल के लिए उत्तम व्यवस्था है, यहाँ कर सकते हैं। ये एक रूम बन गया, इसमें इस रूम की साइज़ की बात करें तो ये रूम इनका 12x13 का है, मैं इसमें मेजरमेंट कर देता हूँ तो आपको आसान होगा, ये 12x13 का है। ये दूसरा रूम जो है ये 13x13 का ये दूसरा रूम है। ये हॉल की बात करें तो हॉल की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 14 फीट है, हॉल की चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक 14 फीट है, और यहाँ से कुल यहाँ तक 30 फीट है, यहाँ से कुल यहाँ तक 30, यानी 14x30, जिसमें से इनका पूजा घर इस स्थान पर दिया गया है। यहाँ पर इनके लिए पूजा घर का स्थान 5x5 का एक स्थान दिया गया है पूजा के लिए। यहाँ पर पूर्व दिशा में निकलने के लिए डोर है, ये सारी जितनी है ये सारी विंडो है। ये इनके अग्निकोण में देखिए, बिल्कुल ये अग्निकोण का क्षेत्र पड़ रहा है, क्षेत्र कॉर्नर यहाँ नहीं पड़ रहा है, ये भी ध्यान दें, इसलिए कहा जाता है कि केंद्र निकाल कर बांटिए, यहाँ कॉर्नर नहीं पड़ रहा है, कॉर्नर यहाँ पड़ रहा है, लेकिन ये अग्निकोण में रसोई बन रहा है। दक्षिण दिशा में ये सीढ़ी बना दिया गया है, इधर ये अटैच लेटरिन बाथरूम वाला ये मास्टर बेडरूम, बेडरूम की बात करें तो ये 13x15 का ये बेडरूम रखा गया है, बड़े साइज का, ये इसमें अटैच लेटरिन बाथरूम ये है। इधर से सीढ़ी दो तरफ से अंदर जा सकते हैं, सीढ़ी का द्वार भी इस अनुसार से चुना गया है कि बिल्कुल साउथ दिशा में जो द्वार होनी चाहिए वहाँ पर रखा गया है। यहाँ से प्रवेश करेंगे, बाहर के लोग बाहर से ऊपर जा सकते हैं, और घर के लोग चाहें तो यहाँ भीतर से इस सीढ़ी को यूज कर सकते हैं। तो वास्तु के अनुरूप बहुत ही अच्छा प्लान है, इस प्लान से मिलता जुलता यदि आपको निर्माण करना हो तो इसका निर्माण किया जा सकता है। हाँ, वास्तु के अरेंजमेंट के लिए समस्या हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, तो बहुत ही न्यूनतम चार्ज में मैं आपको वास्तु का संतुलन करने का प्रयास करूँगा। ये है पश्चिम मुखी घर, बिल्कुल जो है वास्तु के अनुसार निर्मित है। मैं थोड़ा सा इसे छोटा कर देता हूँ तो आप ये देखिए, अब ये अच्छी तरीके से ये इसका मुख्य रोड है। अब इसमें होता है कि पश्चिम मुखी घर रोड में द्वार का भी एक विशेष चीज़ हो व्यवस्था करनी पड़ती है। द्वार का मेजरमेंट इस प्रकार से कर दिया गया है कि यहाँ से 12 फीट के बाद ही ये द्वार बना सकते हैं, क्योंकि इसमें दो जोन जो निकल के आ रहा है, ये जोन और ये जोन, यहाँ पर निर्माण नहीं किया जा सकता है। उसके बाद वाले जोन में ये जैसे डब्लू ये 20 नंबर 21 नंबर और 22 नंबर, इसमें निर्माण कर सकते हैं। तो 20 21 22 में ही इनका निर्माण का क्षेत्र रखा गया है, तो बिल्कुल वास्तु के अनुरूप है ये, आपको पकड़ में आया होगा कहाँ किस प्रकार से चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।